नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके बाद बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। इसी के साथ कोरोना काल के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया की पूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। देखिए, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरे फेज में मतदान 3 नवंबर को होगा। इसके बाद 7 नवंबर को तीसरे फेज में मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना काल के मद्देनजर पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने की गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 12:30 बजे हुई। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में ये पहला राज्य चुनाव होगा। बिहार में 243 सदस्यीय मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा ने बताया कि जो लोग क्वारंटीन होंगे, उन्हें दिन के आखिरी घंटे में ही मतदान करने का मौका मिलेगा। नोडल स्वास्थ्य अफसर को भी जिले में नियुक्त किया जाएगा। मतदान के समय को 1 घंटे बढ़ाया गया है। अब ये सुबह 7 बजे से 6 बजे तक चलेगा। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकेगा और इसका प्रिंटआउट आयोग तक पहुंचाना होगा। नामांकन भरने वाले के साथ सिर्फ 2 ही लोग जा सकेंगे। दरवाजे पर प्रचार के लिए जाने वाले लोगों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी। बिहार चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4थे कार्यकाल के लिए भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेंगे। वही विपक्षी राजद इस बार सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उन्हें चुनौती देगी। कांग्रेस का भी राजद के साथ चुनाव लड़ना तय है। हालांकि दोनों के बीच ही सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में लड़ा था। हालांकि लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद महज 2 साल के अंदर ही उन्होंने गठबंधन से किनारा कर लिया और भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।